क्या बारातियों जितना होगा फिल्म का कॉस्ट्यूम? कैसे उड़ेंगे होश इस बार पृथ्वीराज को देख सबके? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉलीग्राथ स्टूडियोज में। यशराज फिल्म्स की पहली ऐतिहासिक फिल्म पृथ्वीराज की रिलीज की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। फिल्म 3 जून को हिंदी के अलावा तेलुगु और तमिल में भी रिलीज होने जा रही है और इसके लिए देश विदेश में सिनेमाघरों की बुकिंग का काम करीब करीब पूरा हो चुका है। फिल्म की मेकिंग की कहानियां जैसे जैसे सामने आ रही हैं, ये समझ आ रहा है कि फिल्म के निर्देशक डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने इसमें अपना पूरा एक्सपीरियंस और नॉलेज लगा दिया है। हिंदी एंटरटेनमेंट जगत के सबसे मजेदार सीरियल्स में शुमार चाणक्य को बनाने वाले डॉक्टर द्विवेदी बताते हैं कि इस फिल्म के लिए जितने कपड़े तैयार किए गए हैं उनमें देश में होने वाली भव्य से भव्य 500 बारातों के सारे बारातियों को सजाया जा सकता है। फिल्म पृथ्वीराज में अभिनेता अक्षय कुमार मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। डॉक्टर द्विवेदी कहते हैं, इतिहास को उसके सबसे रियल इमेज के साथ बनाने की कोशिश हमने फिल्म पृथ्वीराज में की है। इस तरह की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए इसकी बारीकियों पर ध्यान देना भी बेहद जरूरी था। कम लोगों को ही पता है कि राजस्थान में पगड़ियां स्थान विशेष और ओहदे का प्रतीक माना जाती हैं। हमने इस फिल्म के लिए जितनी पगड़ियां बनवाई उनकी गिनती ही 500 से ऊपर है। राजाओं की पगड़ियां अलग हैं, प्रजा की पगड़ियां अलग हैं, किरदारों की पगड़ियां अलग अलग हैं और कारीगरों की पगड़ियां अलग हैं। इस सब के बावजूद सेट पर हमेशा राजस्थान के पगड़ी खास तौर पर हर समय मौजूद रहे और इन पगड़ियों को सिरों पर सजाने का काम इनकी देखरेख में भी हुआ। पगड़ियों के बाद जैसी ही बात फिल्म के कलाकारों के कपड़ों की आती है तो बता दें, फिल्म के कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने फिल्म पृथ्वीराज के लिए इतने कपड़े बनाए हैं कि देश में होने वाली भव्य से भव्य कम से कम 500 बारातों के बारातियों को इनसे सजाया जा सकता है। गिनती करें तो इन सारे कॉस्ट्यूम की संख्या 50,000 से ऊपर है। राजस्थान से कारीगरों और राजपूती आन बान शान की परख रखने वाले लोगों ने मुंबई आकर ये सारे कॉस्ट्यूम तैयार किए हैं। फिल्म के डायरेक्टर इसके लिए कहते हैं कि मुझे खुशी इस बात की रही है कि आदित्य चोपड़ा जैसे निर्माता मुझे इस फिल्म के लिए मिला और जिन्होंने मेरी इमेजिनेशन में मेरे सोचे गए रंगों को भरने में जरा भी कोताही नहीं की। कोरोना के चलते अपनी कान फिल्म समारोह की यात्रा कैंसिल कर चुके अभिनेता अक्षय कुमार भी मानते हैं कि डॉक्टर द्विवेदी की कल्पना ने ही फिल्म पृथ्वीराज को एक लार्जर देन लाइफ वाला इमेज तैयार किया है। वो कहते हैं, शायद ही कभी किसी फिल्म में इतने बड़े पैमाने पर काम होता है जो हमेशा याद रह जाए। सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित फिल्म पृथ्वीराज के हर पहलू को पूरी ईमानदारी, सच्चाई और आदर के भाव के साथ पेश किया गया है। हमने फिल्म बनाते समय छोटी छोटी बातों पर पूरा ध्यान दिया है क्योंकि हम चाहते थे कि सम्राट पृथ्वीराज की जिंदगी की कहानी को बड़े पर्दे के जरिए सबसे शानदार तरीके से लोगों तक पहुंचाया जाए। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं पृथ्वीराज को बड़े पर्दे पर देखने के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।